जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन प्रत्येक दिवस की भांति हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के इस लाइव चर्चा का जो विषय है आज के लाइव चर्चा का जो विषय है नाद बिंदु उपनिषद नाद बिंदु उपनिषद पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेदीय उपनिषद है और योग उपनिषद के अंतर्गत आता है लगभग कई उपनिषद ऐसे हैं जो योग उपनिषद कहे गए हैं अर्थात उनमें योग रहस्य बताया गया है या उनमें अष्टांग योग की चर्चा है तो यह नादबिंदु उपनिषद जो है ऋग्वेदीय योग उपनिषद है और इसमें जो चर्चा मिलती है बहुत बड़ा उपनिषद नहीं है मात्र फिफ्टी सिक्स छप्पन श्लोकों में पाया जाता है कुछ उसके मुख्य विषय हैं हम उस पर चर्चा करेंगे आज भी और आने वाले दिनों में भी कुछ दिनों तक हम इस विषय पर इस उपनिषद की चर्चा करेंगे कुछ ही दिनों में यह समाप्त भी हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा उपनिषद नहीं है लेकिन बहुत गुड़ रहस्य है इसमें तो सर्वप्रथम नाद बिंदु उपनिषद में जो चर्चा मिलती है ओंकार हंस की चर्चा मिलती है ओंकार की तुलना एक हंस से की गई है ओंकार की तुलना एक हंस से की गई है योगी की तुलना भी एक हंस से की गई है और योगी जो ओंकार की उपासना करते हैं उसका अभ्यास करते हैं उन्हें कैसी गति प्राप्त होती है उनका पुनर्जन्म कैसा होता है या उन्हें कैसी गति प्राप्त होती है प्रारंभ में इसी विषय पर चर्चा की गई है फिर प्रारब्ध के निष्प्रभाव की चर्चा है कि प्रारब्ध का कोई प्रभाव योगी पे नहीं पड़ता अर्थात वो प्रारब्ध से प्रभावित नहीं होता फिर संपूर्ण प्रपंच अर्थात संसार के उपादान कारण की चर्चा की गई है फिर नाद ध्वनि की चर्चा की गई है कि नाद ध्वनि किन रूपों में प्रकट होती है तो आज हम जो चर्चा सुनेंगे ओंकार हंस की चर्चा इस प्रकार से हुई है नाद बिंदु उपनिषद में तो प्रथम श्लोक कहता है ओम अकारो दक्षिण पक्ष उकारस्तुतरह स्मृत मकारम पुच्छ मृत्याहूर धमात्रा तुम्तकम ओंकार रूपी हंस का आकार दक्षिण पक्ष है दाहिना पंख है ओम आकारो दक्षिण पक्ष पक्ष मतलब पंख हंस होगा तो उसका पंख भी होगा हंस होगा तो उसका पंख भी होगा तो उसका जो दाहिना पंख है वह आकार है ओंकार में तीन मात्राएं होती हैं आकार उकार और मकार तो ओम अकारो दक्षिणा पक्ष उकारस्तु उत्तर स्मृत अर्थात जो उकार है वो उत्तर पक्ष अर्थात पंख है ओंकार रूपी हंस में जैसे ओंकार लिखा गया है आप देखें ओंकार रूपी हंस में अकार जो है दाहिना पंख है उकार जो है वह बायां पंख है और जो उसकी पूछ है वह मकार है मकार जो है उस हंस की पूछ है और जो उसकी अर्धमात्रा जो अर्धचंद्र बिंदु ऐसे लगा हुआ है और अर्धमात्रा जो है वह उसका शीर्ष भाग है किसका ओंकार रूपी हंस का तो ओंकार रूपी हंस का अकार दाहिना पंख है उकार पाया पंख है और जो मकार है वो उसकी पूंछ है और जो उसका शीर्ष भाग है वह अर्धमात्रा है फिर कहते हैं उस ओंकार रूपी हंस के दोनों पैर रजोगुन एवं तमोगुन हैं और शरीर सतोगुण कहा गया है क्योंकि इन तीन चीजों से परे तो संसार में कुछ होता भी नहीं है इस बात की पुष्टि योग शास्त्र उपनिषद श्रीमद भगवद गीता में हमें प्राप्त होती है उस ओंकार रूपी हंस के दोनों पैर रजोगुण एवं तमोगुण हैं। उस ओंकार रूपी हंस के दोनों पैर रजोगुण एवं तमोगुण है और उसका शरीर सतोगुण है उसका शरीर सतोगुण है ओंकार रूपी हंस की चर्चा हो रही है धर्म उसका दाहिना चक्षु है अधर्म उसका बायां चक्षु है अब सुन लीजिए धर्म उसका दाहिना चक्षु है और अधर्म उसका बायां चक्षु है अब ऐसा कैसे मतलब अधर्म भी है जी हां जब कहा गया कि रजोगुण तमोगुण भी है तो अधर्म क्यों नहीं रहेगा जरा विचार कीजिए तो उसकी दाहिनी आंख जो है वो धर्म है और जो बाई आंख है वो अधर्म है ऐसी व्याख्या कही जा रही है पादादिकम गुणस्तस्य शरीरम तत्व मुच्च्यते धर्मो अस्य दक्षिण पक्षः छुर धर्मो यो अपर स्मृत अर्थात अधर्म जो है बाया आंख है धर्म जो है दाहिना आंख है पाद योस्त भुवरलोकस्तु जानुनी सुवरलोक देशे, नाभि देशे महर जगत नाभी देशे महर जगत उस हंस के दोनों पैर पृथ्वी लोक स्थित है उसकी जंघाएं अंतरिक्ष लोक में भुआ भुआ मतलब अंतरिक्ष लोक में स्थित है और उसका जो कटी प्रदेश है जो स्वलोक है उसके कटी प्रदेश जो है वो स्वर्गलोक में है और उसकी जो नाभी है वो महलोक में है उसकी जो नाभी है वो महलोक में है इस प्रकार से व्याख्या की गई है उसका हृदय स्थल जनहलोक, कंठ प्रदेश में तपोलोक जनो लोकस्तु हृदय कंठे लोकस्तपस्तः भ्रुवोर ललाट मध्य सत्य सत्यलोको व्यवस्थित उस हृदय स्थल में जनलोक, कंठ में तपोलोक है और ललाट और के मध्य मध्य यहां पर आज्ञा चक्र जहां है वहां पर क्या है वहां पर सत्य लोक स्थित है वहां पर सत्य लोक स्थित है ओंकार रूपी हंस के शरीर की व्याख्या की जा रही है उसके भ्रिकुटी में सत्य लोक स्थित है तो हृदय स्थल में जनलोक कंठ प्रदेश में तपोलोक ललाट और भावों के मध्य में सत्य लोक विराजमान है इस प्रकार से वर्णित सहस्रावयव, युक्त प्रणव रूप हंस ये कौन सा हंस है प्रणव रूप हंस पर आसीन होकर कर्मानुष्ठान ध्यान आदि में रत हंस योगी विचक्षण पुरुष ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिंतन करता हुआ सहस्रों करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है अर्थात हंस योगी कौन है हंस योगी जो प्रणव की साधना करता है हंस योगी जो इस प्रणव की उपासना करता है उसे यहां पर नाद बिंदु उपनिषद में हंस योगी कहा गया है जो प्रणव की उपासना करने वाले योगी हैं उन्हें ही हंस योगी कहा गया है और हंस क्या है यह प्रणव ही हंस है यह प्रणव ही हंस है और जो इस प्रणव को साधन बनाता है मीडियम बनाता है इसको वहीकल बनाता है कन्वेंस बनाता है इसको कि इसके साधन से हम आगे बढ़ेंगे इस पे बैठकर तो जो प्रणव की साधना करता है जो प्रणव की उपासना करता है वो हंस योगी है तो यहां पर उपनिषद हंस योगी उन्हें कहता है तो हंस योगी विचक्षण पुरुष ओंकार की श्रेष्ठ विधि से अभ्यास करता हुआ सहस्रों करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है एक हंस योगी अंततः मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है अकार नामक प्रथम मात्रा आग्नेय है उकार नामक द्वितीय मात्रा वायव्य है अकार नामक प्रथम मात्रा आग्नेय उकार नामक द्वितीय मात्रा वायव्य तत्पश्चात मकार नामक तृतीय मात्रा सूर्य मंडल के समतुल्य है चतुर्थ मात्रा अर्ध मात्रा के रूप में वारुणी कही गई है अब इन चार मात्राएं यहां पर बताई गई हैं इन चार मात्राओं के तीन तीन कलाएं होती हैं तो कुल कितने कलाएं हो गई बारह इन उपयुक्त काल त्रय अपि यत्रेमा मात्रानुनम प्रतिष्ठिता एष ओंकार आख्यातो धारणा विनिर्निबोधत इन उपयुक्त चारों मात्राओं में से हर मात्रा के तीन तीन काल अथवा कला रूप है इस प्रकार ओंकार को द्वादश कलाओं से युक्त बारह कलाओं से युक्त कहा गया है प्रणव को बारह कलाओं से युक्त कहा गया है धारणा ध्यान एवं समाधि के द्वारा इसे जानने का प्रयास करना चाहिए घोषिनी प्रथमा मत्रा विद्यन्नुमात्रा तथा पर पतंगिनी तृतीयाचु चतुर्थी वायु वेगनी तो प्रथम मात्रा घोषिनी कही गई है द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन मात्रा तृतीय मात्रा का नाम पातंगी और चतुर्थ मात्रा का नाम वायुवेगनी, पांचवी मात्रा का नाम नामधेया कहा गया है छठवीं मात्रा एन्द्री के नाम से जानी जाती है सातवीं मात्रा वैष्णवी और आठवीं मात्रा शंकरी के नाम से प्रसिद्ध है नौवीं मात्रा महती दसवीं मात्रा को धृति कहा गया है ग्यारहवीं मात्रा को नारी या मौनी बारहवीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया है अब इन मात्राओं में प्रणव साधक जो है प्रणव योगी जो है या हंस योगी जो है नाद बिंदु उपनिषद में प्रणव योगी को हंस योगी कहा है जो प्रणव का अभ्यास करने वाले योगी हैं वो इन बारह मात्राओं की यात्रा करते हैं हंस योगी प्रणव योगी इस प्रणव का अभ्यास करने वाले जो योगी हैं इस प्रणव का अभ्यास करने वाले जो योगी हैं उन्हें हंस योगी कहा गया है और यह जो योगी हैं इन बारह मात्राओं की यात्रा करते इन बारह मात्राओं की यात्रा करते हैं लेकिन इन यात्रा में अगर योगी मृत्यु को प्राप्त होता है अपने प्राणों का त्याग करता है किसी अवस्था में तो क्या प्राप्ति होगी वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद भगवत गीता के छठे अध्याय में आत्मसंयम योग नामक अध्याय ध्यान योग नामक अध्याय में भगवान ने योगियों की गति बताते हुए कहा है कि अगर अर्जुन के पूछने पर अर्जुन का प्रश्न था कि अगर कोई योग भ्रष्ट हो गया या योग की पूर्णता किए बिना उसकी मृत्यु हो गई या बीच में किसी कारण से उसने योग छोड़ दिया उसका मन भटक गया तो उसकी गति क्या होगी भगवान ने उसे समझाया है कि उसकी योग साधना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी वह देवताओं की योनि को प्राप्त होगा स्वर्ग को प्राप्त होगा और उसके बाद दोबारा महानुभावों और श्रीमानों के घर में जो महाज्ञानी श्रीमान हैं भक्त हैं योगी हैं उनके घर में उसका जन्म होगा और जहां तक उसने योग साधना छोड़ी थी उसके आगे अपनी योग साधना को बढ़ा देगा अर्थात उस योगी का पतन नहीं होगा जिसने ईमानदारी से निष्ठा से योग का अभ्यास किया लेकिन किसी कारण से भ्रष्ट हो गया या छोड़ दिया जो भी कारण बने या उसकी मृत्यु हो रही है तो फिर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या होगा फिर उसे उसकी गति क्या होगी तो वो देव योनियों में जाएगा अपने पुण्य के वशु फिर से जन्म लेकर फिर से जन्म लेकर वह जो है क्या करेगा फिर से जन्म लेकर योग साधना को पूर्ण करेगा तो इसी तथ्य को आगे इसमें समझाया गया है कि किन किन मात्राओं में देह त्यागने से योगी की क्या गति होगी प्रथम मा तुम मात्रायाम यदि प्राणायरुजते प्रथम मात्रा में यदि साधक अपने प्राणों का प्रत्याग कर देता है तो वह भारत वर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रादुर्भूत होता है प्रथम मात्रा में यदि साधक अपने प्राणों का परित्याग कर देता है तो वह भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रादुर्भूत होता है द्वितीय मात्रा में जब साधक के प्राणों का उत्क्रमण होगा अर्थात उसका त्याग करेगा तब वह महा महान महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होगा महान महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होगा ठीक तृतीय मात्रा में यदि प्राण त्याग करने पर विद्याधर के रूप में चतुर्थ मात्रा में प्राण के प्रत्याग करने पर गंधर्व के रूप में जन्म लेगा यदि पांचवी मात्रा में उसके प्राणों का उत्क्रमण होता है तो वह तुषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्र लोक में सम्मानित होता है अर्थात देव उन्हीं को जाता है छठवी मात्रा में साधक देवराज इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त करता है अगर छठी मात्रा में देह त्याग करे तो देवराज इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त करता है सातवीं तो मात्रा में भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है तथा आठवीं मात्रा में पशुपति भगवान शिव के रुद्रलोक में जाकर उसकी समीपता का लाभ उठाता है नवी मात्रा में महालोक को दसवीं मात्रा में जन लोक को जो कि शिवलोक और वैकुंठ से भी ऊपर बताए जा रहे ग्यारहवीं मात्रा में तपोलोक को और बारहवीं मात्रा में साक्षात ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है अर्थात ब्रह्मलीन होता है तत्वलीन होता है तथा परतरम शुद्धम व्यापक निर्मल शिवम सदुदित परम ब्रह्म ज्योतिषा मुदयोग इससे भी परतर श्रेष्ठ व्यापक शुद्ध निर्मल कल्याणकारी सदैव उदीयमान पर ब्रह्म तत्व है वह पर ब्रह्म तत्व है उसी से सभी तरह की ज्योतियां प्रादुर्भूत होती हैं जब श्रेष्ठ साधक का मन समस्त इंद्रियों एवं सत्य रज तम आदि तीनों गुणों से परे होकर परम तत्व में विलीन हो जाता है तब वह उपमा रहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचे हुए साधकों को योग युक्त कहा जाता है तो साधक जो है अगर प्रणों के अभ्यास में अलग अलग स्तर पर अलग अलग मात्राओं में अगर प्राणों का त्याग करता है तो सम्राट बनना देवताओं की योनी में जाना चंद्रलोक जाना इंद्र की गद्दी पर बैठना इंद्र के समान वैकुंठ में विष्णु की समीपता प्राप्त करना रुद्र की समीपता प्राप्त करना और इन सबसे भी ऊपर उठकर जनलोक ध्रुवलोक और उन सबसे भी ऊपर उठकर ब्रह्मलोक और सबसे ऊपर ब्रह्म तत्व में लीन होता है वह साधक जो तीन गुणों से परे हो चुका है सतरजतम से परे हो चुका है गुणातीत भावातीत हो चुका है वह साधक वह प्रणव साधक वह हंस योगी ब्रह्मलीन होता है पर ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है पर ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है शून्य में लीन होता है पर ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है ऐसी व्याख्या यहां पर की जा रही है तो प्रणव के अभ्यास से अब यह प्रणव क्या है अब यहां पर शुरुआत में एक बात बात कह देगी है कह दी गई है कि प्रणव का अभ्यास युक्तिपूर्वक सही विधि से जानने वाला ठीक जो साधक है जो उसको सही से जानता है विचक्षण पुरुष ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिंतन करता है श्रेष्ठ विधि क्या होती है जो विचक्षण पुरुष जो ज्ञानी है विचक्षण है जिसको चक्षु प्राप्त है जो ज्ञानी है वह ओंकार की श्रेष्ठ विधि अब श्रेष्ठ विधि यहां लिखने की आवश्यकता ही क्या है सहस्राण मतिवात्र मंत्र एश प्रदर्शित एवंताम समारूढ़ो हंस योग विचक्षण जो विचक्षण योगी है ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिंतन करता है उसकी जो श्रेष्ठ विधि है वह क्या है वह अव्यक्त है अव्यक्त है तो वह जो हंस का जो ओंकार का जो श्रेष्ठ विधि है जो अव्यक्त विधि है अव्यक्त विधि अव्यक्त नहीं है वह अपने आप में अव्यक्त है जो उस अव्यक्त ओंकार को जानता है जो उसकी श्रेष्ठ विधि को जानता है वही प्रणव की यात्रा करता वही हंस योगी कहलाता है प्रणव का अभ्यास करते हुए वो हंस योगी कहलाता है हंस योगी कहलाने वाला वह योगी प्रणव की साधना करता है वही उस पर ब्रह्म तत्व में लीन हो सकता है नहीं तो रुद्रलोक वैकुंठ लोक इंद्र लोक इन सब लोकों की प्राप्ति कर सकता है लेकिन उस पर ब्रह्म तत्व में जाकर लीन होना तीन गुणों से परे की अवस्था को प्राप्त कर लेना यह महत्वपूर्ण है तो हमें प्रणव के रहस्य को समझना होगा प्रणव के रहस्य को समझना होगा और ध्यान युग या ध्यान योग का कोर्स चल रहा है जी इसमें ध्यान युग में प्रणव के रहस्य को समझाया जाता है, प्रणव का अभ्यास कैसे होना चाहिए बताया जाता है प्रणों का अभ्यास कैसे होना चाहिए यह समझाया जाता है प्रणव का अभ्यास कैसे होना चाहिए यह बताया जाता है ठीक तो प्रणव का अभ्यास जरूरी है और ध्यान योग प्रणव का अभ्यास हमें कराता है हमें सिखाता है इसे हम वंचित ना हो 20 तारीख मतलब आज से यह कोर्स शुरू हो गया जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको मिलना शुरू हो गया लेकिन फिर भी हम दो से तीन दिन का आपको समय देते हैं 22 तारीख तक अगर आपको ज्वाइन करने की इच्छा है ध्यान कोर्स प्राकृतिक चिकित्सा फिलोसफी इन तीनों में से कुछ भी अगर ज्वाइन करने की इच्छा है तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते इतने दिनों के अंदर दो से तीन दिन मतलब आज बीस इक्कीस बाईस और तेईस तक इसके बीच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इक्कीस बाईस और तेईस के बीच में प्रणव का रहस्य समझ में आएगा हंस योगी बनना चाहते हैं जो नाद बिंदु में लिखा गया है हंस योगी प्रणव की उपासना करनी पड़ेगी लेकिन प्रणव कैसे ज्यादातर लोग उद्गीत का अभ्यास करते हैं और कहते हैं कि हम प्रणव का अभ्यास कर रहे हैं फर्क है प्रणव का अभ्यास करना उद्गीत का अभ्यास करना दोनों में फर्क है तो हमें यह समझना चाहिए तो ध्यान योग का यह अद्भुत कोर्स शुरू हो चुका है आप इसका लाभ उठाइए दो तीन दिन में अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो हो जाएगा उसके बाद फिर कोर्स आगे बढ़ जाएगा तो फिर कवर करना आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी तो विदिन थ्री डेज तीन दिन का समय ज्वाइन करने के लिए अगर आपको ध्यान कोर्स ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए आज शुरू हो चुका है वैसे ठीक है लेकिन फिर भी दो तीन दिन में कुछ बिगड़ेगा नहीं कवर हो जाएगा तो चलिए आपके कमेंट्स आपकी टिप्पणियों को देख लेते हैं ए के त्यागी जी बहुत अभिनंदन है कमलेश खैरनर योगेश खैरनर राजू पाल जी अबनी प्रधान जी नरेंद्र माकोडे जी सविता नायक जी पलकधारी राजभर जी कन्हई कुमार जी सतीश मास्टर जी भाष्कर जोशी नूतन भट्ट जी संतोष गुप्ता अमन कक्कर दिनेश भाई डाभी घनश्याम सरोदे सुषमा अग्रवाल हुमाना राम चौहान जी रतन सिंह जी भरत छबलानी जी विनोद कुमार सूद जी धन्यवाद भारत माधुरी कॉलेज जी श्वेता राय सिन्हा जी बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का विनोद कुमार शर्मा जी अजीत अपराजित राम विलास जी शिखर शर्मा नरेंद्र माकोडे, रूपलाल विश्वकर्मा लाला गुर्जर ईशा किशोर वैद्य उषा श्रीवास्तवा लाला गुर्जर विमला शाह जी भगवती पटेल जी नितिन सिन्हा लाला गुर्जर जी आशा रानी जलाराम राइका जी ये अजपा गायत्री वाले योगी कौन से हैं पहले अजपा गायत्री है क्या ये जो लिखा आपने कि अजपा गायत्री वाले योगी कौन से हैं हंस या कोई और पहले तो ये समझना है कि अजपा गायत्री क्या है जब तक यह नहीं पता है तो कैसे समझ में आएगा अजपा गायत्री का रहस्य अगर जानना चाहते हैं ध्यान योग का कोर्स कीजिए उसमें अजपा गायत्री का अभ्यास कराया जाता है ध्यान योग के कोर्स में अजपा गायत्री का अभ्यास कराया जाता है लेकिन अजपा गायत्री है क्या ये भी तो पता होना चाहिए तो अजपा गायत्री का अभ्यास ध्यान योग के कोर्स में कराया जाता है आशा रानी जी जलाराम राय का जयंती भाई पटेल जी बहुत अभिनंदन है ईशा अभी भी इंद्रदेव रोकने की कोशिश करते हैं होंगे क्या साधना में इंद्रदेव भी इंद्रियों के देवता हैं। इंद्रदेव इंद्रियों के ही देवता हैं तो अब जो है इंद्रदेव तीन गुणों से परे तो है नहीं तीन गुणों से परे तो मात्र ब्रह्म तत्व है ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तीन गुणों से परे नहीं कहे गए देव रूप में तीन गुणों से परे नहीं है तो इंद्रदेव बाधा क्यों नहीं डालेंगे इंद्रियां बाधा डालती हैं, मन बाधा डालता है संस्कार बाधा डालते हैं तो इंद्रदेव भी कोई ना कोई रूप धारण करके बाधा डालते हैं बिल्कुल पोष्ट प्रकाश शर्मा जी अशोक माली जी लाला गुर्जर गंभीर शाह किशोर वैद्य क्या प्रणव साधना भोजन के बाद दोपहर में या शाम कर सकते हैं या सिर्फ सुबह ही कर शाम को कर सकते हैं दोपहर में कर सकते हैं भोजन के बाद भी कर सकते हैं लेकिन भोजन के बाद कम से कम एक डेढ़ घंटे बाद करिए एक घंटा कम से कम नहीं तो डेढ़ घंटे बाद करिए भोजन करने के तो शाम को भी करिए बिल्कुल शाम को भी कर सकते हैं प्रणव साधना सुबह ही करना ऐसा नहीं शाम को सुबह दोपहर रात जब समय मिले करिए आपने ध्यान योग का कोर्स किया है तो करिए ठीक है तो चलिए इसी के साथ हम विचारों को विराम की ओर ले चलेंगे और विचारों को हम विराम देंगे कल फिर 9 पीएम में हम मिलेंगे और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ध्यान योग कोर्स प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन ये तीनों कोर्स कर सकते हैं कई लोग अपने जीवन संबंधी प्रश्नों को भी पूछना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत जीवन संबंधी कई प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ मैं यहां विचारों को विराम दूंगा कल फिर मिलते हैं 9 पीएम लाइव चर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का ओम तत्सत